स्वामी आपकी पूजा अधूरी छोड़कर चले गए हैं। पूजा अधूरी छोड़ना महापाप है। मेरे पति के इस पाप को क्षमा करें प्रभु। ध्वज, अब महाराज सत्यरथ तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। मृत्यु के मुख में जाने से पूर्व भगवान का स्मरण कर लो। केतु ध्वज, आज तुम हमारे सामने बंदी बने हुए खड़े हो। और तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ में है। क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें। मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। अपना राज्य आपके चरणों पर समर्पित करता हूँ महाराज, मुझे क्षमा करें। केतु ध्वज, तुम पराजित हो चुके हो, इसलिए हमारे अधीन तो हो ही चुके हो। और हारे हुए शत्रु का राज्य भी विजयी राजा के अधीन होता है। सब कुछ आपके अधीन है महाराज, परंतु मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें। तुझे क्षमा कर दिया तो मेरे मन को शांति कैसे प्राप्त होगी? क्षमा कर देने से तो मन को असीम और परम शांति प्राप्त होती है महाराज, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। नहीं, जब तक हम तुम्हारे मस्तक को तुम्हारे धड़ से पृथक नहीं कर देंगे, तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। नहीं, 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 नहीं। महाराज सत्यरथ की जय। महाराज सत्यरथ की जय। महाराज सत्यरथ की जय। महामंत्री, आज्ञा दे महाराज। हमारा कट्टर शत्रु केतु ध्वज समाप्त हो गया है। प्रकट सत्य है महाराज। महारानी, महारानी, महारानी। हाँ स्वामी। आज हमारे जीवन का सबसे अधिक हर्षमय दिन है। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। हमने अपने सबसे बड़े शत्रु को धराशायी कर दिया है। अपने इन्हीं हाथों से हमने अपने जन्मजात शत्रु का वध किया है। हाँ स्वामी, आज आप अत्यधिक प्रसन्न हैं। क्यों ना हो प्रसन्न। केतु ध्वज ने वर्षों हमें चैन से सोने नहीं दिया। जीवन भर जो मन में काटा चुपता रहा वो आज निकल गया है। आज हम चैन की नींद ले सकेंगे। चैन की नींद राजा सत्यरथ के भाग में नहीं थी, क्योंकि उसने शिव प्रदोष व्रत की पूजा के संकल्प को अधूरा छोड़कर भगवान शिव की घोर अवज्ञा की थी। महारानी सूरथा ने भी एक प्रकार से पति के इस कार्य को समर्थन ही दिया था। समय व्यतीत होता गया, महारानी गर्भवती हुई और अपने गर्भ की अंतिम अवस्था में महारानी ने राजा सत्यरथ से वन विहार की इच्छा प्रकट की। किंतु उन्हें क्या ज्ञात था कि शिव अवज्ञा का घोर पाप काल बनकर उन्हें निगलने वाला है। सत्यरथ, तेरे और तेरी महारानी के भाग्य में आनंद कहां? केतु ध्वज का ये पुत्र वृषध्वज मृत्यु बनकर तेरे वंश को निगल जाने के लिए विकल है। तूने मेरे पिता की निर्मम हत्या की थी। उसी पिता का ये पुत्र वृषध्वज तुझे प्राण दंड देगा। रे हत्यारे, जो पीड़ा तूने मुझे दी थी वही पीड़ा मैं तुझे दूंगा। प्रतिशोध लूंगा मैं, प्रतिशोध। महाराज, महाराज, विदर्भ राज सत्यरथ अपनी महारानी के साथ वन विहार के लिए इसी मार्ग से जा रहे हैं। आजा सत्यरथ, आजा। आज तेरा दुर्भाग्य और मेरा सौभाग्य एक ही केंद्र में जा रहे हैं। स्वामी, विदर्भ राज्य का युवराज और आपका उत्तराधिकारी शीघ्र ही जन्म लेने वाला है। आप उसके स्वागत की तैयारियां आरंभ करें। हमारे आने वाले युवराज के स्वागत की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है महारानी। उसके जन्म का उत्सव तो हम अपने शत्रु के मरण के उत्सव से भी अधिक धूमधाम से मनाएंगे।
की मृत्यु का प्रतिशोध मैं तुम्हारे मस्तक को धड़ से पृथक करके लूंगा। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मुझे आत्मा की शांति चाहिए। क्षमा करो वृषध्वज, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, क्षमा करो वृषध्वज, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करे महाराज, मुझे क्षमा करो। क्षमा नहीं, प्रतिशोध। सुरथा कहाँ गई? तेरे गर्भ में मेरे शत्रु का पुत्र पल रहा है। मैं तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा सुरथा, तुम्हारे साथ साथ मैं उसका भी वध कर दूंगा। कर रहा है नारायण नारायण। भोलेनाथ, कैसी लीला है ये आपकी?
प्राणी शिवालय में आपकी शरण में आता है रुदन से मुक्त होने के लिए, किंतु यहाँ एक नवजात बालक आपकी शरण में रुदन कर रहा है। नारायण नारायण, हे भोलेनाथ, इस नवजात बालक का रुदन मुझसे सहन नहीं होता। नारायण नारायण, हे त्रिकालदर्शी, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आज तुम्हारे स्वर में उत्साह और उल्लास नहीं, पीड़ा है नारद। भोलेनाथ, भीतर से पीड़ित हूं और भीतर से निकला हुआ स्वर पीड़ा में भीगा हुआ ही होगा ना। भीतर की पीड़ा का कारण? ऐसा कौन सा कार्य और कारण है जो आपको ज्ञात नहीं भोलेनाथ? राजा सत्यरथ मारे गए और उनकी रानी भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। शिवालय में पड़े उनके नवजात शिशु का रुदन मन को विदीर्ण कर देता है। इतना सब जानते हो नारद, तो क्या ये नहीं जानते कि राजा सत्यरथ ने प्रतिज्ञा करके उसका निर्वाह नहीं किया? प्रतिज्ञा करके उसे ना निभाने का ही दुष्परिणाम है। मान्य है भोलेनाथ, मुझे मान्य है, किंतु इसमें उस नवजात शिशु का क्या दोष है? वो अबोध तो आपकी शरण में पड़ा विलाप कर रहा है भोलेनाथ। निर्दोष और शरणार्थी को दंड नहीं मिलेगा नारद, उसकी रक्षा अवश्य होगी। अरे, ये किसका बच्चा रो रहा है शिवालय में? कैसी निर्दयी माँ है, अपने बच्चे को यहाँ सुनसान में छोड़कर चली गई। नवजात बालक को यहाँ छोड़कर जाते ही उसकी छाती भी नहीं फटी। ऐसी भी कोई माँ होती है? अरे अरे राजा बेटा, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? अभी आती है तुम्हारी माँ, अभी आती है। ये बालक किसका है? देखिए महाराज, ये बालक मुझे यहाँ पड़ा हुआ मिला है। ये कौन है मैं नहीं जानती, इसकी माता कौन है मैं ये भी नहीं जानती। आप यहाँ रहते हैं, आपको ज्ञात होगा। बताइए महाराज, ये बालक किसका है, इसकी माता कौन है? देवी, अब तुम ही इसकी माता हो। मैं इसकी माता? मैं तो जानती भी नहीं कि ये बालक है कौन। ये स्वर्गीय राजा सत्यरथ का पुत्र है। राजा ने प्रदोष पूजा की अवज्ञा कर उसे अधूरा ही छोड़ दिया था। उसी अपकर्म के कारण इसके माता पिता को मृत्यु का मुख देखना पड़ा। बम 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 बम। किंतु तुम्हारे लिए ये चिंतामणि रत्न के समान सौभाग्यशाली सिद्ध होगा। अब तुम पुत्रवत इसका लालन पालन करके अपने पुत्र के साथ साथ इसे भी पुत्र का ममत्व वो स्नेह प्रदान करो। बम 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 बम। महाराज, मैं बहुत समय से आप जैसे महात्मा की खोज में थी। वो किस लिए देवी? मैंने अब तक अपने पुत्र का नाम नहीं रखा है, उसे केवल लल्ला कहकर पुकारती हूँ। आप मेरे पुत्र का कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए महाराज। बम 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 बम। विधाता भी कैसे संयोग बनाता है, मुझे यहाँ भेज दिया तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का नामकरण करने के लिए।
तो फिर बताइए महाराज इनके नाम। तुम्हारे इस बड़े पुत्र का नाम है शुचिव्रत। शुचिव्रत? हाँ, और छोटे का जो तुम्हारी गोद में है इसका नाम होगा धर्मगुप्त। इन दोनों का लालन पालन करने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। बम 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 बम। आपकी कृपा और उपकार से आज मेरा एक बड़ा कार्य पूर्ण हुआ है महाराज। तुम्हारा कल्याण हो देवी। बम 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 बम। तुमने किसी गर्भवती स्त्री को इधर से भागते हुए देखा है? नहीं नहीं महाराज, मैंने किसी को नहीं देखा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।